हेलो दोस्तों, लूसेंट जीके के क्वेश्चन में दोस्तों आपका वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही किस देश को नाटो का सदस्य देश बनाने का प्रस्ताव अमेरिकी संसद में पेश किया गया है। तो भारत को नाटो का सदस्य बनाने का प्रस्ताव पेश किया दोस्तों अमेरिकी संसद में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा जनसंख्या आधारित एक रिपोर्ट के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। तो उपयुक्त दोनों ही तथ्य बिल्कुल सही है दोस्तों, जिसमें पहला ऑप्शन है दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक मानव आबादी 9.7 बिलियन होगी। सेकंड ऑप्शन है 2027 तक भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा। तो राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो जनसंख्या आधारित रिपोर्ट है उससे रिलेटेड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता निकाय SMEV द्वारा प्रदूषण कार वाहनों का ग्रीस सेस लागू करने की मांग की है, इसका उद्देश्य क्या है। तो उपयुक्त दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना, सेकंड ऑप्शन है पेट्रोल डीजल संचालित वाहनों पर लगाम लगाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों ग्रीन सेस का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कितने उच्च शिक्षण संस्थाओं के साथ मिलकर कृत्रिम बुद्धि बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित डिजिटल लैब उद्घाटन किया है। तो दोस्तों 10 उच्च शिक्षण संस्थाओं के साथ मिलकर जो कृत्रिम बुद्धिता है उससे रिलेटेड लैब शुरू किए दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सून बिंदोंग को भारत में किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया है। तो चीन में राजदूत नियुक्त किया दोस्तों सून बिंदोंग को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही खबरों में रहा बिल 21 किस देश से संबंधित है। तो कनाडा देश से संबंधित दोस्तों बिल 21 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत ने किस देश के साथ मिलकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सनराइज 2 का संचालन किया है। तो म्यांमार देश के साथ मिलकर दोस्तों ये आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सनराइज 2 का संचालन किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही निम्न में से किस सोशल प्लेटफॉर्म द्वारा लिम्ब्रा नामक डिजिटल मुद्रा जारी की गई है। तो फेसबुक के द्वारा जारी किए दोस्तों लिब्रा नामक डिजिटल मुद्रा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही फिच रेटिंग एजेंसी द्वारा 2019-2020 वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक विकास दर को 6.8% से घटाकर कितना कर दिया है। तो 6.6% कर दिया दोस्तों फिंच रेटिंग एजेंसी द्वारा, जो भारत की विकास दर है उसे 6.8 से घटाकर 6.6% कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसने ब्रुक कोपका को हराकर 119वां US ओपन खिताब जीत लिया है। तो गेरी वुडलैंड ने ये खिताब जीता है दोस्तों ब्रुक कोपका को हराकर दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फेज हामिद को ISI प्रमुख के रूप में चुना गया है। तो ISI किस देश की खुफिया एजेंसी है। तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम है दोस्तों पाकिस्तान, और ये इसके जो प्रमुख है दोस्तों वो चुने गए हैं दोस्तों फेज
हम ईद को दोस्तों, अगर दोस्तों लूसेंट जीके का वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए दोस्तों, और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए दोस्तों।